हेलो एवरीवन। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना। और जो आज का वीडियो है वो ऐप डायनामिक्स का जो भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है अरजीत के साथ, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अरजीत ने टोटल दो कंपनीज क्रैक किया जिसमें से एक ऐप डायनामिक्स है। तो आज की वीडियो में हम लोग ऐप डायनामिक्स का जो भी पूरा डिटेल डिस्कशन होगा उसके बारे में बात करेंगे, जो स्टार्टिंग कोडिंग राउंड से हुआ था, कैसे इंटरव्यूज हुआ, सिलेक्शंस हुआ और इसका क्या टिप्स और सजेशंस होगा जूनियर्स के लिए, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। तो अजीत, एक अपना इंट्रोडक्शन बताना। Hi Sankalp and hi everyone watching this video. Firstly, Sankalp, thank you for having me over in your channel. For everyone else, I am Arijit Roy and I'm currently pursuing computer science and engineering in VIT Vellore. I'm in the fourth year and I have a CGPA of 9.29 and I have some research experience while working on my summer internship in IIT Kharagpur. VIT recently had its placement drives and मुझे VIT placement drives में I was able to crack AppDynamics as one of the companies and today we are going to talk about my interview experience and hope that ये सबको काफी benefit करे ये discussion. ओके, तो ये टोटल जो भी डिस्कशन है AppDynamics के लिए है, तो अगर हम इसमें एप्लीकेंट्स के बारे में बात करें और टोटल कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था तो उसमें कुछ इन्फो। राइट, एक्चुअली बिफोर आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, मैं एक बार ये बता दूं कि AppDynamics हमारे कॉलेज में SDET रोल के लिए आई थी, विच वाज मेजरली फोकस्ड ऑन टेस्टिंग एंड AppDynamics वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज टू कम इन VIT विथ ओवर 3000 स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट राउंड टू बी एबल टू सिट फॉर द ऑनलाइन कोडिंग राउंड। तो ऑनलाइन कोडिंग राउंड में अप्रोक्सीमेटली 3000 थे और उसके बाद 22 का शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था, मतलब टू बी एबल टू बी सिट फॉर द इंटरव्यू राउंड्स। और उसके बाद फाइनली AppDynamics से हमारे 5 ऑफर्स आए थे एंड दैट वाज द स्टैट्स प्रीटी मच। ओके, तो जो भी ये लाइक मेनली सिलेक्शन हो रहा है हम लोग के कॉलेज में, तो ये टेस्टिंग रोल के लिए है और SDE रोल नहीं है, तो ये दोनों डिफरेंट होता है। तो अगर हम किसी कंपनी में अप्लाई करें तो ये पहले चेक कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में पता चलेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब अगर जैसे CGPA के बारे में बात करें, जो CGPA का सिलेक्शन में जो इम्पोर्टेंस होता है, तो उसमें क्या पॉइंट्स शेयर करना चाहते हैं? राइट संकल्प, इनफैक्ट सारी कंपनीज एक फॉर्मल CGPA क्राइटेरिया डेफिनेटली रखती है, इट विल बी समवेयर अराउंड 7.5 या 8 या इवन 8.5। However, having a higher CGPA will never be a problem. तो क्या होता है, जैसे ऑनलाइन राउंड में भी अगर तुम एलिजिबल हो गए एंड इवन इफ यू आर एबल टू परफॉर्म प्रिटी वेल, उसके बाद जो सबसीक्वेंट राउंड्स में जब शॉर्ट लिस्टिंग होगा, इमेजिन देर आर टू कैंडिडेट्स हु हैव परफॉर्म्ड इक्वली वेल, तो जिसका थोड़ा ज्यादा CGPA है उसका थोड़ा ऐसे प्रेफरेंस मिलता है उसको। सो आई वुड से कि अगर किसी का 9 के ऊपर हो CGPA तो ही विल बी इन द सेफ रीजन, मतलब he'll be almost eligible for all job offers and for all types of shortlisting. Okay, तो mainly यही है कि अगर draw हो रहा है दो candidates में तो CGPA जो है वो final selection का criteria हो जाता है, तो इसलिए CGPA का importance बहुत ज़्यादा हो जाता है। Okay, तो अब जैसे अगर हम जो test process है उसके बारे में बात करें, जैसे जो first round होता है वो coding round होता है, तो उसके बारे में जैसे total कितने questions थे, क्या pattern था और difficulty level क्या था और timings क्या था जो first round था उसके बारे में? राइट, तो हमारा ऐसे फर्स्ट राउंड में वी हैड अ मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड अ मिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो कोडिंग क्वेश्चंस भी थे। सो अप्रोक्सीमेटली टाइम हमारा 1.5 आवर्स था, जिसमें हमें इन टोटल ऑफ 25 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, जिसमें 3 कोडिंग क्वेश्चन थे। उसमें 3 कोडिंग क्वेश्चन में आई वुड से 1 वॉज ईजी एंड द अदर 2 वर समवेयर बिटवीन मीडियम एंड हार्ड। और जो बाकी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे उनमें से वी हैड क्वेश्चंस फ्रॉम एप्टीट्यूड, we had questions from CS fundamental core subjects and this was the coding round that we had to solve before getting the opportunity to be able to sit for interviews. Okay, so ye jo hai ye coding round ho gaya, to ab jaise iske baad interviews hoga, to like total kitne rounds the interviews ke aur wo kaise proceed kiya tha?
तो हमारे टोटल 4 राउंड्स थे, एप डायनेमिक्स ने 4 राउंड्स कंडक्ट कराया था, एंड ऑल ऑफ द 4 राउंड्स वर कंडक्टेड इन अ सिंगल डे. तो थोड़ा प्रोसीजर भी हेक्टिक हो गया था, बट नॉनदलेस उसमें हमारे 3 टेक्निकल राउंड्स थे और 1 HR राउंड था. सो बेसिकली ये एंटायर कोऑर्डिनेशन क्या हो रहा था, एक सिस्को के वेबएक्स प्लेटफॉर्म पे हो रहा था, वेर इन पीपल वर नोटिफाइड पर्सनली व्हेन टू अटेंड एन इंटरव्यू. और लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट राउंड, फर्स्ट टेक्निकल राउंड शुरू करें, फिर उसके बारे में डिस्कशन. तो हमारे मेरा एक्चुअली फर्स्ट कोडिंग राउंड थोड़ा मतलब फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू थोड़ा लेट हुआ था. और ओवरऑल आई वुड से द इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस फॉर ऑल द राउंड्स वाज वेरी नाइस. इंटरव्यूज काफी अच्छे थे, थोड़े हेल्पफुल थे. यूजुअली क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है इंटरव्यू अगर हेल्पफुल ना हो तो, बट यहाँ हेल्पफुल थे, दे वर पोलाइट ऑल्सो. सो टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस, द इंटरव्यू स्टार्टेड विद अ कोडिंग क्वेश्चन. इट वाज अ स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन. आई वोंट से इट वाज इजी, बट अगर किसी ने ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस किया हुआ है तो उसको ऐसे आइडिया लग जाएगा. उसके बाद आई वॉज ऑल्सो आस्क्ड टू डिजाइन एन API. So usually designing APIs is not very common in fresher interviews, but सबको उसके लिए भी prepare रहना चाहिए. और उसके बाद puzzles भी पूछे गए थे, and general discussions about my interests, about why I choose Java over C++. As a matter of fact, since ये testing का role था, तो एक natural inclination Java के towards था. Because as you know, Java is very popular when talking in terms of the industry standards. So that was there. More or less, ये interview 1.5 hours, 1 hour 15 minutes, 1 hour 30 minutes के आसपास के बीच में था. It felt quite lengthy because I had to wait for a very long time. So that was the first technical round, face to face interview हुआ था virtual mode में. Okay, और उसके बाद जो second round था उसके बारे में. Right. सो सेकेंड राउंड में क्या हुआ था, एक्चुअली सेकेंड राउंड मेरे लिए थोड़ा न्यू था, अनकन्वेंशनल था, इन द सेंस कि हमें एक्चुअली एक टेक्निकल इशू आ गया था. पर्टिकुलरली मेरे जो इंटरव्यूअर थे उनको ऐसे उनके ऑडियो और वीडियो में प्रॉब्लम था. सो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट उनका वीडियो आ नहीं रहा था, एंड उनके ऑडियो में भी थोड़ा लैग हो रहा था. सो दिस इज अ जनरल सजेशन फॉर एनीवन हु इज गोइंग टू फेस वर्चुअल इंटरव्यूज, कि इन सच सिचुएशंस ट्राई टू रिमेन एज काम एज पॉसिबल. जितना हम लोग अपने आप को कंपोज रख पाएंगे वो हमारे ये पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे कर पाएगा. और इसके अलावा इफ देयर इज सम अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द इंटरव्यूअर वाया ईमेल और वाया सम चैट, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं. सो इवन ड्यूरिंग द इंटरव्यू व्हाइल ही वाज आस्किंग मी क्वेश्चंस, तो क्या हो रहा था, मुझे उसका पूरा ढंग से सुनाई नहीं दे रहा था. सो आई यूज टू क्लैरिफाई द रिक्वायरमेंट्स बाय आस्किंग हिम अ वेरिफिकेशन क्वेश्चन, सर इज दिस व्हाट यू वांट. तो वो सर बोलते थे हाँ दिस इज व्हाट आई वांट, एंड आई कुड गो ऑन डिस्कसिंग द आइडिया. सो दिस कैन बी वन अप्रोच. और कमिंग टू व्हाट वाज आस्क्ड इन द इंटरव्यू, इंटरव्यू काफी इनफॉर्मल मोड में स्टार्ट हुआ था. वी वर टॉकिंग अबाउट मूवीज, वी वर टॉकिंग अबाउट comic books, we were talking about Marvel and DC. However, it later moved on to a more technical discussion wherein we talked about object-oriented programming. And usne mujhe ek code diya tha karne ko, which was basically a combination of linked list and the idea of sliding window. Aur usne mujhe ek platform, matlab coding platform pe usne karwaya tha. और उसने ही जस्ट गेव मी सम रैंडम हार्ड कोडेड टेस्ट केसेस, और उसने बोला था कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट आ जाना चाहिए. And I would say I was lucky enough कि उस situation में उस time पे हो गया, because it is pretty hard. कभी कभी ऐसे debug करना interview experience में, interview वो environment में थोड़ा मुश्किल हो जाता है. So that was my second round of interview experience. Okay. So third round के बारे में कैसा हुआ था, third round जो था? थर्ड राउंड एक्चुअली ऐसे सेकेंड और थर्ड के बीच में काफी कम टाइम का डिफरेंस था. सो मतलब ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली हुआ था थर्ड राउंड भी. थर्ड राउंड जो इंटरव्यूअर थे उसने ऐसे जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मेरे पीछे ऐसे व्हाइट बोर्ड था, सो दैट वाज विजिबल. तो मेरे इंटरव्यूअर ने ही आस्क्ड मी टू राइट थिंग्स ऑन द व्हाइट बोर्ड इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग हिम डायरेक्टली. सो That was a different experience. And ये जो third round था, it was, I would say, कि a general discussion round. मतलब it started off with Java and all aspects of Java, whether we talk about multi-threading, exception handling, and फिर even serialization, file handling.
तो बहुत सारी चीजों के बारे में, ऐसे इवन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, द कलेक्शंस एपीआई, सो हर चीज के बारे में. तो अगर आपको लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आपने चूज किया है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, उस पर आपको प्रॉपर होल्ड है, कंट्रोल है, आपको नॉलेज है उस चीज के बारे में, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प. उसके बाद ही वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट ग्राफ एल्गोरिथम्स, तो मैंने उसके उस चीज के बारे में बात किया था उसके साथ. एंड द इंटरव्यू एंडेड ऑन अ वेरी नाइस नोट, तो दैट वॉज माई थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू एक्सपीरियंस. ओके, और फाइनली एचआर राउंड हुआ था जो फोर्थ राउंड था, तो उसके बारे में लाइक कैसा हुआ था? राइट, सो एक्चुअली एचआर राउंड्स, द प्रीवियस जितने भी टेक्निकल राउंड्स हुए थे वो थोड़े ऐसे लॉन्ग ड्यूरेशन के थे, मतलब अबाउट 1 आवर, 1.5 आवर्स, इसी रेंज में थे. हाउएवर जब एचआर राउंड हुआ था हमारा, मेरा, तो एचआर राउंड इट वॉज जस्ट अबाउट 15 मिनट्स, सो दैट टू वॉज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड फॉर मी. तो अभी ऐसा हुआ था कि ही वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट हाउ आई लाइक टू लर्न, वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, वेदर और नॉट मैं उस टीम में, जिस टीम में मैं काम करूंगा फ्यूचर में, उस टीम में मैं प्रॉपरली फिट कर पा रहा हूँ कि नहीं. सो ऐसे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन उसने मुझसे पूछे थे. ऑल्सो जो एच आर राउंड होता है, एच आर राउंड में देर इज नो टेक्निकल डिस्कशन एट ऑल. दे विल स्ट्रिक्टली फोकस ऑन वॉट योर एच आर स्किल्स आर, इंटरपर्सनल स्किल्स आर. सो इट विल बी ऑलवेज सजेस्टेड कि एच आर राउंड में आप टेक्निकल चीजों के बारे में डिस्कस ना करें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सामने वाले को भी वो उतना आइडिया नहीं होगा टेक्निकल चीजों के बारे में. एंड दैट वेंट प्रीटी स्मूथ, एंड ऐसे 10-15 मिनट्स का इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, इट वेंट वेरी वेल. ओके, सो मेनली लाइक 4 राउंड्स थे, और अगर कभी इंटरव्यूज के बीच में अगर कोई कनेक्शन का इशू आ रहा तो हम किसी दूसरे तरह से कम्युनिकेट कर सकते, जैसे चैट्स हो गया या ईमेल्स हो गया, तो ये सब का ध्यान रखना चाहिए और नर्वस नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो अब अगर हम जैसे स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करें कि जैसे हमारा स्ट्रैटेजीज क्या था ऐसा कोई कंपनी को क्रैक करने में, या तुम कैसे प्रिपेयर किए, तो अगर हम इसके बारे में कुछ जानना चाहें तो इसमें क्या शेयर कर सकते हैं? श्योर श्योर संकल्प यार, यूजुअली क्या होता है ना कि जब भी हम लोग ये प्लेसमेंट ड्राइव्स पे फोकस करते हैं या ऑफ कैंपस हायरिंग पे फोकस करते हैं, सो वी आर आस्क्ड टू सॉल्व एन ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट, राइट? तो वो ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट को क्रैक करना ही, फर्स्ट राउंड को क्रैक करना ही काफी मुश्किल हो जाता है. सो फॉर अस टू बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस प्रॉपरली एंड इन अ टाइम्ड कंस्ट्रेंट एनवायरमेंट, तो इसके लिए हमें पहले से काफी प्रैक्टिस करनी चाहिए. ऐसे आई विल डेफिनेटली सजेस्ट इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करेगा तो डेफिनेटली उसको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज एवरीथिंग हैपेंस इन अ टाइम्ड एनवायरमेंट. और इसके अलावा भी जब भी आप डीएसए और मतलब डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स, डेफिनेटली यू रेफर टू अ कोर्स, कोई भी कोर्स, एनी कोर्स ऑफ योर चॉइस, और इफ यू वॉन्ट टू रीड ब्लॉग्स यू कैन गो अबाउट रीडिंग ब्लॉग्स. बट ज्यादा कोर्सेस करने से मतलब उतना बेनिफिट नहीं होता. बेनिफिट मेनली होता है वेन एवर वी टॉक अबाउट प्रैक्टिसिंग मोर. सो जो भी हमारे साइट्स है, हमारे पास लीड कोड है, वी हैव हैकर अर्थ, हैकर रैंक एंड लॉट मेनी साइट्स, और हम जब ऐसे नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट बैच वाले स्टूडेंट्स देखेंगे तो और भी ज्यादा साइट्स हो जाएंगे. बट द आइडिया इज टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, ताकि वी बिकम अवेयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ ट्रिक्स एंड टिप्स, जो सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ आता है. So that would be one of my strategies. और इसके अलावा भी when we talk about DSA and problem solving, leaving that aside, उसके बाद हम लोग जब ऐसे projects पे भी development skills पे भी focus करना चाहिए. So it should not always be just problem solving. Yeah, problem solving is necessary for you to crack an interview at a big tech giant. However, development skills भी important होता है, क्योंकि eventually company में जाके आप वही करने वाले हो. You are going to develop a product for the company. So, इस पे भी प्रॉपर फोकस होना चाहिए और टाइम देना चाहिए. एंड फाइनली इन सबसे थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज होता है इज बीइंग एबल टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर एकेडमिक्स एंड योर स्किल डेवलपमेंट. सो एकेडमिक्स में आई वुड डेफिनेटली से कि अगर किसी का भी एक अच्छा CGPA मेंटेन कर पाए वो इंसान, तो उसको डेफिनेटली एक काफी एडवांटेज मिलेगा व्हेन ही और शी विल बी सिटिंग फॉर अ प्लेसमेंट ड्राइव. So that would be my suggestion for any strategy. Okay. So mainly ये कि अगर हमको coding सीखना है तो theory तो ठीक है, पर practice भी important है.
बिकॉज फर्स्ट राउंड जो कोडिंग रन होता है वो बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को फिल्टर कर दिया जाता है, तो उस पर भी फोकस करना चाहिए। और अब जैसे अगर हम लोग बात करें जो ग्रुप स्टडीज़ होता है जो कॉलेज में हम लोग कर सकते हैं या कोई ग्रुप बना के पढ़ रहे हैं, तो उसका क्या बेनिफिट होता है और ये जैसे तुम कैसे इसको यूज़ किए थे? या संकल्प, यूजुअली क्या होता है ना कि अगर ग्रुप का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो डेफिनेटली द आउटकम इज नॉट क्वाइट यील्डिंग, वो आउटकम थोड़ा ऐसे वेग डिस्कशंस होते हैं, ज्यादा प्रॉपर नहीं होते, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं होते। सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन डूइंग ग्रुप स्टडी, तो मैं हमेशा कहूंगा कि कीप योर ग्रुप साइज स्मॉल, इफ पॉसिबल रेस्ट्रिक्टेड टू टू पीपल, क्योंकि तब क्या होता है ना काफी स्ट्रक्चर्ड वे में, वेल ओरिएंटेड डायरेक्शन में डिस्कशंस होते हैं। जैसे आई हैड अ फ्रेंड इन कॉलेज, शी हैज बीन प्लेस्ड इन अ वेरी गुड सुपर ड्रीम कंपनी एज ऑफ नाउ, तो वो क्या करती थी, हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे, वी यूज टू डिस्कस अप्रोचेस, वी यूज टू थिंक, वी यूज टू टेक अ प्रॉब्लम, और हम लोग कोशिश करते थे ठीक है मैं भी सॉल्व करता हूँ, तुम भी सॉल्व करो, लेट्स सी व्हाट वी कम अप विथ। तो ये सब चीजें, रिसर्चिंग अबाउट थिंग्स, डिस्कसिंग अबाउट द थिंग्स दैट वी हैव रिसर्च्ड ऑन। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है संकल्प, जैसे वी आर फ्रेशर्स राइट, तो हम फ्रेशर्स के लिए क्या होता है ना, इंटरव्यू एक्सपीरियंस एकदम न्यू होता है, वी हैव नेवर फेस्ड समवन अक्रॉस द कैमरा और समवन इन फ्रंट ऑफ अस व्हाइल आंसरिंग क्वेश्चंस। सो ये जो मॉक इंटरव्यूज वाला आइडिया है ना, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। सो इफ इनसाइड योर ग्रुप यू आर एबल टू फाइंड समवन हु इज एबल टू टेक अ मॉक इंटरव्यू ऑफ योर्स, तो ये काफी बेनिफिट करेगा एक कैंडिडेट को व्हाइल अपीयरिंग फॉर द एक्चुअल इंटरव्यूज। तो तुम्हें इसे कैसे आंसर करना है उसका आइडिया लग जाता है, तुम्हें कैसे अपने आप को सोचना है, बिकॉज यू आर मोस्टली प्रेजेंटेड विद प्रॉब्लम्स राइट दैट यू वांट टू सॉल्व, तो आपको कैसे सोचना है, क्या थिंकिंग प्रोसेस रखना है, हाउ टू कीप योरसेल्फ काम व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी ऐसे आइडिया लग जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है व्हाइल ड्यूइंग मॉक इंटरव्यूज। सो दैट वॉज माई एक्सपीरियंस विद ग्रुप डिस्कशंस और ग्रुप्स। ओके, सो मेनली यहाँ पे टू पॉइंट्स है जिसपे फोकस किया गया। फर्स्ट है कि अगर हम दोनों मतलब या जितना भी लोग टीम में है, तो अगर हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत सारा अप्रोच हम लोग को पता चलेगा। और सेकेंड जो है वो मॉक इंटरव्यूज़ है, तो इसका ही बहुत सारा बेनिफिट होता है और एक एक्सपीरियंस पहले मिल जाता है जो एक्चुअल इंटरव्यूज़ है उसके लिए, तो इससे भी हम लोग को एक्चुअल इंटरव्यूज़ में बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो अब जैसे अगर हम लोग बात करें क्लब्स या चैप्टर्स जो होता है, जो लाइक मोस्टली कॉलेजेस में होता ही है, तो इससे क्या बेनिफिट्स होता है किसी भी कैंडिडेट को? Usually क्या होता है ना, whenever a fresher comes to a college, he is unaware of the things that he wants to do or the things that he can do in the future. तो एक क्लब और चैप्टर जब वो ज्वाइन करता है तो उसको थोड़ा आइडिया लगता है, बिकॉज ही इज एबल टू इंटरेक्ट विद सीनियर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, और सीनियर्स हैव ऑलरेडी बीन थ्रू द साइकिल, तो उन्हें पता होता है कि क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें नहीं होती, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सो एक जनरल गाइडेंस मिलता है, यू गेट टू मीट विद सीनियर्स, सो दिस वुड बी वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कैंपस चैप्टर्स एंड क्लब्स। इसके अलावा यूजुअली क्या होता है ना, एक पॉइंट के बाद आई वुड कॉल दैट अ बॉटलनेक, क्या हो जाता है, यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर ओन डेवलपमेंट, तुम्हें क्लब और चैप्टर के रिडंडेंट कामों में ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। So it is up to that person. अगर उसको लग रहा है कि he or she is not able to benefit out of staying in the club or chapter, तो उसको छोड़ के खुद पे अपने ही skills पे focus करना चाहिए। However, if the person feels कि वो सीख पा रहा है काफी कुछ club और chapter से, and he is able to actually add a lot of things to his resume, तो I would say कि stick with the club or chapter and learn as much as possible. So that would be my advice for anyone trying to join a club or chapter. Okay, so clubs का generally benefit होता ही है अगर हम लोग उसको limited amount में use करें, मतलब जो बेकार का काम है उसको उतना ज़्यादा नहीं करें कि हम लोग का खुद का development रुक जाए। तो अब अगर जैसे हम लोग virtual interviews के बारे में बात करें, क्योंकि अभी जो भी interviews है वो सभी virtual है, तो इसका क्या feedback दे सकते हैं जो भी अभी देने वाला interviews उसके लिए? Right. Yeah, actually virtual interview experience is a very revolutionary idea. ऐसे हम लोग we are able to sit at great distances and still be able to conduct interviews. तो इसमें ना काफी problems आते हैं, काफी advantages भी आते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे advantages are in the sense कि
यूजुअली क्या होता है ना, अगर हम लोग कैंपस में बैठ के ये प्लेसमेंट्स देते तो वी हैड टू ट्रैवल अ लॉट, एज इन हमारा हॉस्टल कहीं होता और हमारा कॉलेज कैंपस कहीं और होता, तो वी हैड टू ट्रैवल अ लॉट, वी हैड टू वेट आउटसाइड द इंटरव्यू रूम्स, और वहां ऐसे प्रॉपर ऐसे हम लोग को पानी नहीं मिल पाएगा, हम लोग को प्रॉपर ऐसे गर्मी लगेगी, या मतलब यू गेट द आइडिया, हम लोग काफी टायर्ड हो जाएंगे इन सच सिचुएशंस। हाउएवर व्हाइल टॉकिंग अबाउट द वेटिंग प्रोसीडियर और बीइंग अवेलेबल फॉर इंटरव्यूज, जब हम लोग अपने रूम में बैठ के वो एसी एनवायरनमेंट पे प्रॉपरली हम लोग इंटरव्यू दे पाते हैं, सो दैट इज डेफिनेटली एडवांटेज इन दैट सेंस। इसके अलावा काफी सारे डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस इन द सेंस कि यूजुअली क्या होता है, लोगों को लिखने की आदत है व्हाइल एक्सप्लेनिंग, तो यू कैनॉट डायरेक्टली राइट ऑन टू द स्क्रीन, राइट, अनलेस यू हैव सम ग्राफिक टैबलेट। सो माई सजेशन वुड बी कि अगर पॉसिबल है तो सबको एक ड्रॉइंग टैबलेट खरीद लेना चाहिए, जिससे आप ऐसे स्क्रीन मॉनिटर पे भी यू आर एबल टू राइट समथिंग दैट द अदर पर्सन विल बी एबल टू से, क्योंकि हम जब भी कोई सोल्यूशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो डायग्राम्स के थ्रू से एक्सप्लेन करना विजुअली काफी रिसेप्टिव हो जाता है, तो दैट इज वन थिंग। इसके अलावा यूजुअली क्या होता है ना कि वी ट्राई टू फोकस सो मच ऑन द इंटरव्यू कि हम लोग अपने ही सराउंडिंग्स के बारे में ऐसे इनडिफरेंट हो जाते हैं, कि ऐसे सराउंडिंग में सोचो आवाज आ रही है या सराउंडिंग में सोचो फैन का नॉइज आ रहा है, तो ये सारी चीजों को भी हम लोग को थोड़ा सोच के, बिकॉज the interviewer on the other side of the camera might be irritated ki aisa kyun kar, matlab why isn't he cautious about these things, so ye sab cheezon ka bhi thoda dhyan rakhna chahiye, to isliye aise thoda shant jagah mein baith ke interview dena would be my suggestion। aur iske alawa I would say sankalp ye jo cheez hai ki technical difficulties jo hota hai during virtual interview, this is also a very new concept, क्योंकि ये फिजिकल एनवायरनमेंट में ऐसा कभी नहीं होता था कि सामने वाले की आवाज नहीं आ रही है, सामने वाला दिख नहीं रहा है, तो यहाँ दिस थिंग इज अ प्रॉब्लम। तो माय जनरल सजेशन वुड अगेन बी टू रिमेन एज काम एंड कूल एज पॉसिबल, टेक्निकल डिफिकल्टीज आएंगी, थिंक ऑफ सम वे टू सॉल्व इट, सो दैट वुड बी द मेन पॉइंट्स टू टेक अवे फ्रॉम दिस। ओके, सो मेनली ये जो भी था ये वर्चुअल इंटरव्यूज के बारे में था। अब अगर जैसे हम कॉलेजेस के बारे में बात करें तो कॉलेजेस में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव हो और जो भी सिलेक्शंस हो रहा है तो उसमें हम लोग का जो चांसेस है वो बढ़ जाए। राइट, एक्चुअली क्या होता है ना, कॉलेज में हम लोग जब होते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इज टेकिंग अप बाय द कॉलेज एक्टिविटीज और द एकेडमिक वर्क दैट वी हैव टू डू, सो उसके बीच में भी इफ यू आर एबल टू प्लग इन सम काइंड ऑफ हैबिट्स ऑफ एटलीस्ट प्रैक्टिसिंग 5 क्वेश्चंस वन डे और एटलीस्ट रीडिंग अबाउट सम वेरी गुड ब्लॉग आर्टिकल्स, जैसे मीडियम एक बहुत अच्छा सोर्स है जहां बहुत कुछ सीख सकते हो, या फिर इफ यू आर ट्राइंग टू फॉलो अ ट्यूटोरियल मेक इट अ पॉइंट कि यार दिन में अगर दे सकूं तो 2 घंटे या 3 घंटे मैं डेफिनेटली ये कोर्स को दूंगा ताकि आई एम एबल टू कम्प्लीट इट, या अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो ऐसा एक हैबिट बनाना चाहिए, डिसिप्लिन थोड़ा लाना चाहिए कि 2 से 3 घंटे या इवन 1 आवर इज पॉसिबल, तो रोज इतना टाइम हम लोग दे पाए अपने स्किल डेवलपमेंट पे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब कंपनी आएगी दे विल आफ्टर यू हैव सर्टेन सीजीपीए क्राइटेरिया सम एकेडमिक बैकग्राउंड, उस सब के बाद मैटर तो स्किल ही करती है, सो इफ यू आर एबल टू फोकस ऑन द स्किल्स तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस और व्हाइल टॉकिंग टू द इंटरव्यूअर और हैविंग अ फॉर्मल डिस्कशन ऑन टेक्निकल टर्म्स, तो ये चीज डेफिनेटली काफी प्रोडक्टिव बनाएगा किसी को। ओके, तो मेनली ये है कि हम लोग को थोड़ा सा टाइम सेव करना चाहिए कॉलेज का जो भी टाइम्स है उसमें, और कुछ एक्स्ट्रा करें ताकि हम लोग को एक एज मिल सके बाकी कैंडिडेट्स के साथ। तो अब जैसे अगर हम प्रोजेक्ट्स या जो भी वर्क एक्सपीरियंस होता है रिज्यूमे में जो मेंशन कर सकते हैं तो उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है और उसको कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं? एक्चुअली क्या होता है ना, फॉर पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, जैसे अगर किसी ने 2-3 इंटर्नशिप कर लिया है, सो इट एक्चुअली गिव्स अ पॉजिटिव फीडबैक कि नहीं, इस कैंडिडेट को प्रॉपर एक्सपीरियंस है, इस कैंडिडेट को प्रॉपर आइडिया है कि एक एक्चुअल इंडस्ट्री सिमुलेशन में वर्क फ्लो कैसा होता है, कैसे कैसे कोड कोलैबोरेशन होता है, कैसे पुल रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं, कैसे इश्यूज को हैंडल करते हैं, तो ये सब चीजों का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं। Now only if those interview experiences are original and not fake, तो वो definitely is there. But इसके अलावा भी
I would say ki having at least one experience prior to sitting for a placement would be absolutely necessary. मतलब काफी जरूरी होता है. I'm not saying कि अगर नहीं हुआ तो आपका placement नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है. But अगर हुआ तो definitely एक positive impact portray करता है कि इसको idea है चीजों के बारे में, how things work. So in that regard, अगर in fact for off-campus hiring, ये ज़्यादा important हो जाता है. In the sense कि if you are applying for an Android developer role और आपको already experience है with respect to Android development in a proper internship, तो this will definitely be a plus point. तो ये आपको help करेगी during your selection over other candidates. So यही main बात थी. Okay. तो मेनली ये है कि जो भी वर्क एक्सपीरियंस है वो अगर प्रायर अगर है मेरे पास तो वो ऑब्वियसली हेल्प करेगा किसी को भी. तो ट्राई करना चाहिए कि पहले से कुछ कर ले, या तो वर्चुअली या किसी स्मॉल कंपनी में, स्टार्टअप में, किसी तरह का वर्क एक्सपीरियंस, ताकि वो एक बेनिफिट रहे. अब अगर जैसे कोई भी फाइनल टिप्स जो जूनियर्स के लिए हम दे सकते हैं, तो उसमें हम क्या शेयर करना चाहते हैं? संकल्प, वन थिंग जो मतलब मेरे लिए काफी ज्यादा वैलिड है इज बीइंग एबल टू हैंडल फेलियर्स. तो एज वी नो वीआईटी में हर कॉलेज में थर्ड ईयर में इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आती है. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वाज नॉट एबल टू मेक इट थ्रू एनी ऑफ द कंपनीज दैट केम फॉर इंटर्नशिप्स इन द थर्ड ईयर. सो अभी क्या होता था, इट वाज नॉट लाइक आई वाजंट प्रिपेयर्ड. आई वाज प्रिपेयर्ड, आई हैड प्रैक्टिस्ड एनफ, और rather so I felt कि I had practiced enough. But ऐसे क्या होता है कि ऐसे after every rejection you start questioning कि यार मैंने सही से practice तो किया है, सही से मेहनत तो किया है, but फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? अब इसके बाद और क्या करूं कि हो जाए? ये सारे questions ना काफी ऐसे, मैं कैसे काफी normal tone में बोल रहा हूँ, but ये काफी haunt करती है. क्योंकि rejections are not something we are used to. As freshers, this is something very new to us. पहली बार ऐसे फॉर्मली रिजेक्ट हो रहा है, तो वो वाली सिचुएशन ना काफी हम लोग को दुख पहुंचाती है. तो माय जनरल टेक अवे वुड बी, माय एडवाइस फॉर एवरीवन वुड बी टू बी परसिस्टेंट. रिजेक्शंस आर अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, और रिजेक्शन से हम लोग अगर कुछ सीख पाए, हम लोग कुछ ले पाए कि अच्छा दिस वॉज वाई आई वॉज रिजेक्टेड, मैंने एनवायरमेंट को प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया, मैं प्रॉपरली अपने आप को काम नहीं रख पाया, अगर ये सब चीजों पर हम लोग ध्यान रखे और सीखे, टेक मतलब वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट वी मेक, तो ये डेफिनेटली हमें हेल्प करेगा. एंड ट्राई टू बी एज परसिस्टेंट एज पॉसिबल. क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग जब प्रैक्टिस भी करते हैं तो कुछ कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं. जब डेवलपमेंट करते हैं तो बग्स आते हैं, एरर्स आते हैं, तो ये जो एंटायर एक्सपीरियंस होता है ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट. बट द ओनली थिंग दैट कैन कीप यू गोइंग इज पेशेंस. तो आप पेशेंस से करो, अगर आप प्रॉपरली मेहनत करोगे, अगर आप प्रॉपरली अपने स्किल पे टाइम दोगे, तो डेफिनेटली इट विल यील्ड वेरी गुड रिजल्ट्स एंड एट द एंड यू विल बी वेरी हैप्पी. सो फेलियर्स एंड रिजेक्शंस इज टेम्पररी, इवेंचुअली यू विल गेट सिलेक्टेड इन अ गुड कंपनी इफ यू कीप ऑन वर्किंग हार्ड. सो दिस वुड बी माई सजेशन और एडवाइस, जनरल एडवाइस फॉर एनीवन हु इज अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी फिल्टरिंग और कंपनी प्लेसमेंट सिनेरियो. ओके, सो ये बहुत सारा अच्छा अच्छा पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है. और एक और पॉइंट ये जो हम बोलना चाहेंगे कि जो भी रेज्यूमे में मेंशन करें वो मतलब ट्रूथफुल होना चाहिए और फेक नहीं करना चाहिए कि हम कहीं इधर उधर से प्रोजेक्ट लिए वो कर दिए, या अगर हम कोई इंटर्नशिप किए नहीं है तो वो मेंशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पर कभी क्वेश्चन आएगा तो वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाएगा, तो वो सीधे रिजेक्शन हो जाता है. तो इसलिए ये सब पॉइंट्स पे थोड़ा फोकस करना चाहिए. तो यही था जो भी आज का इंटरव्यू डिस्कशन था उसके बारे में. और आई होप यू लाइक द वीडियो. सो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. डेफिनेटली सब्सक्राइब करना. ओके, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.